हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा कंप्यूटर। आर्थो मोड कमांड के बारे में हम लोग देखते हैं। आर्थो मोड कमांड आपकी यहाँ पे बॉटम पे राइट साइड स्टेटस बार आपका जो ये है, इसमें का आपका ये शो करता है आर्थो मोड F8। ये जब आपका व्यूअर्स ये आपका शो करता है व्यूअर्स आर्थो मोड, तो आर्थो मोड का आपकी ड्राइंग में देखे हुए क्या यूज होता है। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे लाइन ली और कहीं पे भी, क्योंकि लाइन आपसे कह रही है कमांड लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपने वर्क स्पेस में कहीं पे भी क्लिक कर दिया फर्स्ट पॉइंट, तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पे आपकी जो लाइन क्रिएट हो रही है, आपने तो फर्स्ट पॉइंट दे दिया था और दूसरा पॉइंट क्योंकि आपसे कमांड लाइन नीचे कह रही है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, जब तक आप नेक्स्ट पॉइंट देंगे नहीं तब तक आपकी लाइन क्रिएट नहीं होगी। तो उससे पहले आपके वर्क स्पेस में यहाँ पे आपको एक वाइट कलर का रेक्टेंगल में शो कर रहा है, कुछ यूनिट आपको शो कर रही है mm में, 44 mm, और एंगल आपका शो कर रहा है 29 डिग्री। ये जो पोजीशन आपकी होती है ये कैड में, जब आप कर्सर को किसी भी एंगल पे रोटेट करते हैं तो वहाँ पे आपको लेंथ और एंगल शो करता है व्यूअर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो लाइन होती है वो पर्टिकुलर आप उसको किसी भी एंगल और किसी भी लेंथ पे ऐसे क्लिक करके सिंपल क्रिएट करते हैं। ये जो आपकी लाइन होती है व्यूअर्स, ये 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इंटर कमांड क्लोज पैन करके मैंने इसको लेफ्ट साइड किया ड्राइंग। इसके बाद देखिए ये जो हमारी ड्राइंग क्रिएट हुई लाइन से, जब हमारा आर्थो मोड सेलेक्ट नहीं था स्टेटस बार में, तब ये ड्राइंग हमारी जो क्रिएट होती थी तो ये किसी भी एंगल पे इसको हम क्रिएट कर सकते थे, लेकिन जब हमने लाइन लिया कमांड आपके एक्टिवेट हो गई और उसी टाइम ऑफ पीरियड में हमने अपना कमांड एक्टिवेट कर ली यहाँ स्टेटस बार से आर्थो मोड F8, और इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या स्टेटस बार में माउस की लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करके और कीबोर्ड की फंक्शन की F8 से भी आप अपना आर्थो मोड कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। आपसे लाइन कह रही है कमांड लाइन में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और आपके कर्सर में भी ऑप्शन शो कर रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपने वर्क स्पेस में कहीं पर भी क्लिक कर दिया। अभी बस देखिए आप अपने कर्सर को ऊपर की पोजिशन पर ले जा रहे हैं टॉप पे या बॉटम पे, तो देखिए भी बस ये आपका 0 पोजीशन पे लॉक है। ओके, तो इसमें आर्थो मोड में क्या होता है कि हम सिंपल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब हमें क्रिएट करनी होती है या सिंपल आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना होता है तो उस समय हमें एकदम सिंपल आर्थो मोड अपना हम पोजीशन अपने ऑन कर लेते हैं और सिंपल वे में अपना रेक्टेंगल या स्क्वायर अपना शेप हमारा ऑब्जेक्ट का क्रिएट होता है। एंटर इस तरह से व्यूअर्स। तो यहाँ पे आपको एंगल नहीं देना है कि 90 डिग्री 10 डिग्री 180, सीधे आपने आर्थो मोड अपना ऑन किया और एकदम स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपने ड्राइंग में आप क्रिएट कर सकते हैं आर्थो मोड कमांड से। और जब आपने इसको अपना यहाँ से ऑफ कर दिया या फंक्शन की F8 से भी आपने कीबोर्ड से ऑफ कर दिया तो आपकी आर्थो मोड कमांड जो होती है लाइन में वो आपकी ऑफ हो जाती है। अब देखिए लाइन हमने लिया और सिंपल वे में देखिए फिर से जब हम लाइन क्रिएट करें तो अब ये 0 और 90 डिग्री के बीच में हमारी लॉकिंग पोजीशन पे नहीं है, अब आपकी लाइन फ्री हैंड किसी भी एंगल पे क्रिएट हो रही है व्यूअर्स। लेकिन इसी लाइन जब आप देखिए व्यूअर्स हम लाइन क्रिएट कर रहे हैं उसी समय हम अपना आर्थो मोड फंक्शन की से F8 ऑन कर लेते हैं तो आपकी लाइन देखिए 90 डिग्री पे ड्रॉ हो रही है। ओके, अब ये बस यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री पे आर्थो मोड आपकी कमांड एक्टिवेट रहेगी तो हमारी लाइन क्रिएट होगी। हमने ड्राइंग को ग्रीन सिलेक्शन राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया, डिलीट किया। देखिए फिर से मैं लाइन लेता हूँ और देखिए आपका यहाँ पे स्टेटस बार में यहाँ पे आपका आर्थो मोड कमांड एक्टिवेट है और इस समय मैंने एक लाइन क्रिएट की फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट
और अब देख इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आर्थोमोड कमांड एक्टिवेट है और वो किसी और एंगल पे आपकी लाइन को क्रिएट नहीं कर सकती है। तो हमने इसको दिया वैल्यू 65, कीबोर्ड की टैब की से हमने प्रेस किया तो देखिए अब हम जीरो पे आ गए, मतलब एंगल पे आ गए, पोजिशन लेंथ और एंगल। लाइन में जब हमारी क्रिएट होती है तो वहाँ पे आपका लेंथ और एंगल दो पोजिशन आती है आपकी यहाँ पे, तो हम लेंथ से एंगल पे आ गए और यहाँ पे हमने वैल्यू दी 45 डिग्री, टैब की प्रेस की, वापस हम देखिए लेंथ पोजीशन पे आ गए और हमारी लाइन देखिए आपको यहाँ से वो 0 डिग्री से 45 डिग्री पे वो मूव कर गई है और हमारी आर्थोमोड कमांड भी एक्टिवेट है। तो इसका मतलब व्यूअर्स ये नहीं कि अगर आप अपनी लाइन में आर्थोमोड आपकी कमांड एक्टिवेट है तो आप अपनी लाइन को किसी भी एंगल पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको टैप की से पर्टिकुलर एंगल और लेंथ अपना डेटा लाइन में फीड किया वर्क स्पेस में तो आपकी वो किसी भी वे में आप उसको डेटा देंगे इनपुट लाइन कमांड को तो उस फॉर्म में वो आपकी ड्राइंग को क्रिएट करेगा। ओके हमने एंगल दे दिया फिर से टैप की से एंगल हमने दे दिया 35, इंटर। ओके फिर इंटर। तो इस तरह से आपकी लाइन क्रिएट होती है एंगल में भी आपकी आर्थोमोड कमांड अगर एक्टिवेट है तब भी, और अदरवाइज हमें सिंपल अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी होती है आर्थोमोड में तो हमारा सिंपल आपका आर्थोमोड ऑन है, हमने लिया लाइन फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट इस तरह से। तो ये जो अब आपकी लाइन होगी ये आपकी 0 to 90 degree के बीच में ही आपकी लाइन आर्थोमोड ऑन होने की वजह से ड्रा होगी। इसके अलावा जब आपका कभी आर्थोमोड ऑप्शन जो यहाँ पे शो कर रहा है F8, इनकेस अगर आपका स्टेटस बार में किसी वजह से अगर आपका हाइट हो जाए तो ये हम इसको अपना वापस स्टेटस बार में इस पोजीशन पे लाने के लिए देखें, यहाँ पे आपका ऑप्शन शो कर रहा है कस्टमाइजेशन पे, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस जगह पे आपका ऑप्शन शो कर रहा है आर्थोमोड, ये आपका सिलेक्ट है, अभी हमने इसको अनटिक कर दिया। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ से वो आपका उस पोजीशन से आपका आर्थोमोड भी हाइड हो गया और हमने फिर सेलेक्ट किया तो देखिए वहाँ पे वो वापस शो कर गया आपका स्टेटस बार में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।